वाजपेयी की अंतिम विदाई में शामिल हुए पीएम मोदी दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ना चाहती है आरएसएस बीजेपी। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, दाऊद इब्राहिम का करीबी रियाज भाटी गिरफ्तार। ओडिशा यूपी समेत कई राज्यों में जारी रहेगा बारिश का दौर, दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना। हरभजन की टीम ने आखिरी ओवर के रोमांच में पठान की टीम को हराया, दर्ज की पहली जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह यादव ने एक रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जानकारी के मुताबिक आने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया गया कि वर्तमान में पूंजीवादी ताकतों और शिक्षा की दुर्दशा के सरकार खिलाफ है। इसके साथ ही कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के पश्चिमी प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका के नेतृत्व में मेरठ कमिश्नरेट में अमर शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर 3 दिवसीय उपवास का आयोजन किया जा रहा है। आज की प्रेस वार्ता जो है, हमारी शहीद आजम भगत सिंह मेरठ कमिश्नरी में जो प्रतिमा है, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष श्री सुमन ढाका जी 3 दिवसीय अनशन पर हैं। तो अलीगढ़ महानगर और अलीगढ़ जिले से ज़्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ 26, 27, 28 में शामिल होने जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारी माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद और प्रदेश की प्रभारी, 10 किलोमीटर की पदयात्रा 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 10 दिन जो चलेगी, उसमें अलीगढ़ से ज़्यादा संख्या में सैकड़ों की संख्या में वहाँ उपस्थित होंगे। बुलंदशहर में एटीएस टीम ने सियाना, गुलवाठी और खुर्जा में छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला चौधरीयाना से एक मौलवी को हिरासत में लिया गया और मौलवी को एटीएस की टीम अपने साथ लखनऊ ले गई। इसके साथ ही जिले में अभी भी 2 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि लखनऊ में भी पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इस दौरान 2 संदिग्धों से पूछताछ की गई। एनआई ने उत्तर प्रदेश में पीएफआई से जुड़े 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बुलंदशहर में यूपी एटीएस ने छापा मारा है, सियाना, गुलवाठी और खुर्जा में भी छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला चौधरीयान से एक मौलवी को हिरासत में लिया गया है और मौलवी को एटीएस की टीम अपने साथ लखनऊ ले गई। इसके साथ जिले में अभी भी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि लखनऊ में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। इस दौरान 2 संदिग्धों से पूछताछ की गई। एनआई ने उत्तर प्रदेश में पीएफआई से जुड़े 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे देश में पीएफआई पर एक्शन जारी है। बुलंदशहर के सियाना, गुलवाठी और खुर्जा में छापेमारी की गई है। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, बुलंदशहर में यूपी एटीएस का छापेमारी हुई है और इसको लेकर और क्या अभी तक कुछ अपडेट सामने आ रहा है? नन्हे जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में एटीएस ने छापेमारी की गई थी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक संदिग्ध एटीएस ने हिरासत में लिए हैं, जिसमें कि जनपद बुलंदशहर के कोतवाली जनपद बुलंदशहर के नगर और सियाना, गुलाबटी और खुर्जा में रेड वाली, जिसमें कि एक संदीप परिस्थिति में एक को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ करके उसको छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि सियाना, गुलावठी और खुर्जा में जो छापेमारी की गई है, उसमें से एक मौलाना को हिरासत में लिया गया है।
नंदनी जी, मैं आपको बता दूं, जो अपरक्ष नाम का जो व्यक्ति था उसको उसके परिजनों से पूछताछ जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जो अपरक्ष नाम का जो व्यक्ति है वो मेरठ में एक वकील है, कहीं ना कहीं वो PSI के संग उसमें है और कहीं ना कहीं उसकी जानकारी की जा रही है। विशाल, क्या लग रहा है बुलंदशहर में अभी और भी छापेमारी और कई जगहों पर हो सकती है इसको लेकर? जी, मैं नंदनी आपको बता दूं, जो ATF की जो छापेमारी की गई है तो जनपद बुलंदशहर के अंदर एक खलबली का माहौल बन चुका है और एक दहशत बनी हुई है लोगों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल। हरियाणा के डिप्टी सीएम एवं जिला फरीदाबाद लोक संपर्क व परिवादवाद समिति के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में स्थानीय हुड्डा सेक्टर 12 के हुड्डा कन्वेंशन हॉल में बैठक की गई, जिसमें 15 शिकायतें रखी गई। इन 15 शिकायतें में से 7 शिकायतों को मौके पर ही निपटारा किया गया, वहीं 2 शिकायतों के लिए पुलिस के अधिकारियों को जाँच के आदेश और 4 शिकायतों पर विभागीय अधिकारियों की कमेटियां गठित की गई। इसके साथ ही 2 शिकायतों पर प्रशासनिक व जिला लोक संपर्क समिति के सदस्यों की कमेटियां गठित की गई। आज 15 हमारे मुद्दे ग्रीवेंस में लगे हुए थे, 2 एडिशनल लिए और 15 में से 7 आज हमारे डिस्पोज ऑफ हुए। 3 पे आज कमेटियां बनाएगी और 5 के लिए आगे डायरेक्शन दी गई है, नेक्स्ट ग्रीवेंस तक उसको रिड्रेस किया जाए। 2 जो एडिशनल आए हैं उनके ऊपर भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके अधिकारियों की छोड़ दिया गया है कि नेक्स्ट ग्रीवेंस को वो भी रिपोर्ट अपनी सब। खबर जनपद मैनपुरी से है, जहां SDM किशनी ने मतदाता कार्य ने लापरवाही पर BLO को फोन किया तो BLO द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि शिक्षक ने SDM को फोन कर धमकी दी और अंजाम भुगतने की भी बात कही, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद लोगों ने BLO पर कार्यवाही की मांग की। इस पर अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए BLO का 3 दिन का वेतन काटा और उसे निलंबित कर दिया। प्राइम टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, आइए आपको सुनाते हैं ये और वायरल ऑडियो। देखिए, संज्ञान में आया था SDM किशनी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, आप BLO है ना? जी सर है। तो आज बूथ डे है ना सर? आज के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, इसलिए सुन लो मेरी बात सुन लो अच्छी तरह से जी। कितना काम किए हो जो क्षमा प्रार्थी हो तुम? हम सर आज मकान खाली नहीं, नहीं, नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे पहले बताओ कितना काम किए हो जो तुम क्षमा प्रार्थी हो? तो आप विकलांग ड्यूटी लगाओगे? SDM हो तो क्या हो तुम, हमका ड्यूटी नहीं करते? नहीं नहीं, हाँ ड्यूटी करते। किस लहजे में बात कर रही हो आप हमसे? अरे मैं बात पूछ रहा हूँ, हम बिल्कुल SDM नहीं है, लेकिन इन बातों को तुम्हें जवाब देना होगा जो हम पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, हम जवाब दे देंगे। हाँ ठीक है, जवाब हम बताते हैं तुम्हें कैसे जवाब देना है। हम तुम्हें बताएंगे जवाब देंगे। कितनी मिल ली हो? हम कल नहीं, आज हम कमरा शिफ्ट कर ले, कल नहीं कल। अरे देखिए, संज्ञान में आया था, उप जिलाधिकारी किशनी के साथ एक BLO का जो टेलीफोनिक कन्वर्जेशन है उसका ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि वो जो बूथ लेवल ऑफिसर पवन कुमार हैं, जो सहायक अध्यापक हैं, उनके द्वारा अशिष्टतापूर्वक और अमर्यादित तरीके से बातचीत की जा रही है और इसके विषय में SDM किशनी के द्वारा रिपोर्ट की गई थी। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देश पर लालगंज प्रभारी ने अभियान गरुड़ चलाया है, जिसके तहत संदिग्ध राहगीरों की बाइक चेकिंग करने के अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं लालगंज प्रभारी ने निरीक्षण में क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक के साथ साथ सभी पुलिस कर्मियों को इस अभियान के तहत दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया, जिसके बाद कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौराहा समेत कस्बे के अन्य कई जगहों में पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर भ्रमण किया। इसके साथ ही संदिग्ध गाड़ियों की भी चेकिंग किया और दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों को पुलिस ने चेक किया।
सुल्तानपुर में बल्दी राय थाना क्षेत्र के दौलतपुर मजरे हेमनापुर गांव में प्रशासन की तरफ से हिस्ट्री शीटर जगनारायण की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। साथ ही सरकारी संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण भी गिरवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक हिस्ट्री शीटर पहले से ही हत्या, रंगदारी, बलवा और सरकारी संपत्ति पर कब्जा सहित तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब अपराध जगत से इसने करीब 1,27,00,000 का संपत्ति अर्जित की थी। बता दें कि एसडीएम बल्दी राय की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की। मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर के आदेश बाद संख्या 28/52 दिनांक 24/9/22 द्वारा सातिर अपराधी जगनारायण उर्फ जग्गा पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम दौलतपुर मजरे हेमनापुर थाना बल्दीरा सुल्तानपुर की चल तथा अचल संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम धारा 14(1) के तहत गैंग अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, सुल्तानपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? ये बिल्कुल बता रहे, ये बल्ली राय थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर बंगो द्वारा या जो है क्रिमिनल द्वारा जो भी जो है अवैध तरीके से बड़ी धाराओं में मुकदमा चल रहा है या कार्रवाई की जा रही है उसी को लेकर जो है प्रशासनिक द्वारा जो है जमीन को कुर्क करना या कब्जा करना या गिरा देना, इस तरीके जो है हर आए दिन जो है मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम आपको बताते चले कि अभी हाल में जल्दी में लखनऊ के जोड़ आए थे, उन्होंने ये संकेत दिया था, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे दबंग हो, चाहे हत्या हो, चाहे माफिया हो, ट्रस्ट हो, कोई भी हो, जो है कार्रवाई की जाए और लोगों को अंदर किए जाए, आगे इस तरह की कोई अपराध और बढ़ने ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। बदायूं में दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गनगोला बदायूं रोड पर चोरों ने एक ही मालिक की दो दुकानों को निशाना बनाते हुए गिलेंडर से दुकान का दरवाजा काट दिया और दूसरी दुकान का सामने से दरवाजा काट दिया और नकदी समेत लाखों का सामान उड़ाकर ले गए। जानकारी के मुताबिक ये घटना दातागंज कोतवाली से लगभग 500 मीटर की दूरी पर दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। हालांकि दुकान मालिक संजय गुप्ता ने कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की है। श्रावस्ती में मलहीपुर थाना क्षेत्र के मधवापुर घाट में अज्ञात कारणों ने प्रेमी प्रेमिका के बच्चे संग लगाई नदी में छलांग लगा ली। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों लोगों की तलाश की जा रही है और बच्चे की शव को बरामद कर लिया गया। वहीं प्रेमी की बाइक पुल के किनारे खड़ी मिली थी। ये जो आज मधवापुर घाट में जिन्होंने छलांग लगाई है, ये कौन है आपकी बहन? हो देवरानी। अच्छा, कहाँ गई थी और कैसे क्या हुआ? घर बताए आई रहे कि लड़का के दवा धरावे जाए थे, शाम का आ जावे, आज 3 दिन होएगा घर नहीं पहुँची। अच्छा, किसके साथ आई? हम ही साहब साथ नहीं जानी थे कि के साथ में आई। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।